सो गाइस, अगर आप लोगों का YouTube चैनल सस्पेंड हो गया है, आपका YouTube चैनल टर्मिनेट हो गया है, आपका YouTube चैनल डिलीट हो गया है, या फिर आपका YouTube चैनल के लिए अपील कर रहे हो तो अपील नहीं कर पा रहे हो, अपील किस तरह से करना है, या फिर आपका YouTube चैनल का URL गलत बता रहा है, या फिर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, आप YouTube को अपील कर रहे हो लेकिन आपको कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी आपका YouTube चैनल से रिलेटेड जो भी सारा क्वेश्चन है, जो भी सारा प्रॉब्लम है, इस वीडियो आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, नंबर वन ये क्या है कि जैसे कि अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड हुआ है, कैसे अपील कर सकते हो, कैसे वापस ला सकते हो, और हम लोगों को रिप्लाई क्यों नहीं मिलता है, हम लोगों का YouTube चैनल का URL जो भी है वो इनवैलिड क्यों बता रहा है, गलत क्यों बता रहा है, और हम लोग कैसे अपील करेंगे, किस तरह से अपील करेंगे, कहां करेंगे, किस तरह से, सारा प्रोसेस है जो इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा, जो कि सस्पेंड YouTube चैनल के लिए सही तरह से कैसे अपील कर सकते हैं, कब तक हम लोगों का चैनल वापस आएगा, कैसे हम लोगों को रिप्लाई मिलेगा, जो भी सारा डाउट है वो सारा डाउट इस वीडियो आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, आपको वीडियो को लाइक नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ वीडियो आप लोग पूरा देख लेना, जो भी सारा आपका डाउट है वो सारा डाउट इस वीडियो आप लोगों को क्लियर करूंगा। और आपको YouTube पे जो है सबसे पहली बात है कि आपको YouTube पे ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा, जो कि मेरे अलावा ये वीडियो आपको YouTube पे कोई भी नहीं मिलेगा, और सारा लोग का वीडियो आप लोग देख भी ले होंगे तो भी इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, मेरे को पता भाई कि आप लोग सारा वीडियो देख के थक चुके हो, लेकिन उसके बाद मेरा वीडियो को देख रहे हो, तो भाई प्लीज वीडियो को सिर्फ पूरा देख लेना, आप लोगों को जो भी आस्था जो भी भरोसा से आप लोग देखने के लिए आए हो आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो भी भरोसा है सारा मतलब कि आपको मतलब यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरा चैनल डिलीट हो गया, कोई बोलता है मेरा चैनल सस्पेंड हो गया, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्लियर हो लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे भाई मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, लेकिन वहाँ पे बाद में पता चलता है भाई उसका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है। तो सस्पेंड डिलीट में क्या फर्क है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो सस्पेंड जो होता है वो परमानेंटली यूट्यूब सस्पेंड कर देता है, उसके लिए हम लोग को अपील करना होता है। ठीक है, और हम लोग का चैनल डिलीट होता है तो हम लोग को यूट्यूब को से लाइव शेयर करके और कुछ प्रोसेस होता है वहाँ पे जो हम लोग चैनल रिकवर कर लेते हैं, लेकिन सस्पेंड यूट्यूब चैनल जल्दी से वापस नहीं आता। ठीक है, तो सस्पेंड जो हम लोग होता है चैनल तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, दिस एक्शन इज नॉट अलाउड करके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, और हम लोग अगर डिलीट होता है खुद से डिलीट करते हैं, बाय मिस्टेक गलती से डिलीट करते हैं, तो उस कंडीशन पे उस जीमेल से हम लोग दूसरा चैनल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग दूसरा चैनल मतलब यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, उस जीमेल से दूसरा चैनल यहाँ पे हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो बात करें हम लोग डिलीट चैनल सस्पेंड चैनल का जो भी डाउट था वो सारा क्लियर हो गया। बात करें कि हम लोग यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है तो अपील कैसे करना है, या फिर हम लोग यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है तो यूआरएल कहां से लेना है, तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है तो अपील कैसे करना वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि हम लोगों को यूआरएल कहां से मिलेगा, रियल यूआरएल यानी कि ओरिजिनल यूआरएल कहां से मिलेगा। ठीक है, जब से यूट्यूब हैंडल का अपडेट आया तब से हम लोगों को यूआरएल ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, जो कि कस्टम यूआरएल बनाता था उन्हीं लोगों को दिक्कत होता, जो नहीं बनाता था उन लोगों को दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जब से यूट्यूब हैंडल का ऑप्शन आया तब से बहुत सारे लोगों को यूट्यूबर को दिक्कत हो रहा है, यानी बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम लोग को यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो भाई आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन है यूआरएल ढूंढने का। ठीक है, सबसे पहली बात है क्या है कि अगर आप किसी फैमिली में अपने एक दोस्त फैमिली किसी के साथ अगर शेयर किए होंगे तो वहां से आपको यूआरएल मिल सकता है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है तो आपके पास जो है जीमेल आया होगा, जीमेल किस तरह से आया हुआ होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात है आपको इस तरह से कुछ जीमेल आया होगा, आपका यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है, इस तरह से कुछ मैसेज आया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैसेज आया होगा इस तरह से, कुछ आप लोगों को दिखा देता हूँ, कहाँ गया मैसेज, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह कम्युनिटी गाइडलाइंस का यहाँ पे अपील हेयर का ऑप्शन ऑप्शन मिलता होगा, और नीचे आपका चैनल का यूआरएल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं, ये भी बोल रहे हैं कि भाई मेरा ये यूआरएल में डाल भी रहा हूँ तो भी मेरा गलत बता रहा था, भाई क्यों गलत बता रहा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, वीडियो पूरा देखना, आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर करूंगा, सभी मतलब कि फुल स्टेप बताऊंगा आपको, नहीं बोलूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो देखो वो वीडियो को देखो, सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो यूआरएल हम लोग कैसे कॉपी करेंगे, हम लोग टैप करेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, हल्का सा स्पेस हो जाएगा तो यहाँ पे यूआरएल काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग सेम टू सेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यूआरएल को निकाल लेते हैं, ओरिजिनल यूआरएल निकाल लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड होगा तो आपके पास इस तरह से कुछ दो तीन जीमेल आएंगे, तो यहाँ पे कुछ ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे चैनल का यूआरएल नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से जाते हैं बैक, आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग को टेक्स्ट को कॉपी करना है, हम लोग लिख रहे तो यहाँ पे गलत बता रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन करके आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर से, इसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी इमेज आपको मतलब सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको करना है क्या, जो भी परमिशन आपको मांगेगा आप सारा परमिशन आपको यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद आपका जो भी स्क्रीनशॉट जो ले वो लोग मतलब इसका फोटो का और यूआरएल जो हम लोग रहेगा वो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से जो यूआरएल पे आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस तरह से करना है, और यहाँ से आपको सही पेज ऑन टिक मार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो भी यूआरएल रहेगा वो यहाँ पे यूआरएल आपका कॉपी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके अपना यूआरएल कॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे जाना है, फिर किसी फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हो, या फिर कहीं भी आप उसे रख सकते हो। ठीक है, जो कि सेफ्टी आपको रखना है, सही तरह से आपको रख लेना है, क्योंकि हम लोग को बार बार ढूंढना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना एक ग्रुप मतलब पर्सनल ग्रुप है उस पर मैंने शेयर कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ध्यान क्या देना भाई, यहाँ पे यूट्यूब हैंडल वाला जो यूआरएल है ना, यहाँ पे यूट्यूब हैंडल वाला एट द रेट अपने चैनल का नाम, वो यूआरएल नहीं चलेगा। जो भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल का यूआरएल जो था पहले लॉन्ग वाला, वो यूआरएल यहाँ पे चलेगा, ठीक है। दोनों मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख लिया है और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख के रख लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लो यहाँ पे, आप इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे फिर से इसी तरह से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आप लोग को स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, स्क्रीनशॉट लेके इसे फिर से उसी तरह से मतलब जिस तरह से मैंने कॉपी किया उसी तरह से इसे भी कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा डॉट हम लोग क्लियर हो गया कि हम लोग यूआरएल कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से हम लोग यूआरएल निकालना है, ठीक है। यूआरएल तो सारा हम लोग को निकल गया, रिप्लाई क्यों नहीं आता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल से करना है कि आपको यहाँ से अपना यूआरएल को कॉपी करना है, जो भी आपका ओरिजिनल यूआरएल है यहाँ से आपको मतलब सॉरी चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इनवैलिड क्यों बताता है, ठीक है। तो मैं यूट्यूब हैंडल वाला यूआरएल मैंने क्लिक किया मतलब कॉपी किया और यहाँ पे आना आपको क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ से अपील हेयर पे क्लिक करके अपील पे जाकर वहाँ से भी डायरेक्टली आ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे लिखना है यूट्यूब चैनल सस्पेंड करके आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सॉरी यार यहाँ पे आपको लिखता हूँ यूट्यूब यहाँ पे इमेज पे क्लिक हो गया, कैमरा पे क्लिक हो गया, इस कारण से यहाँ पे कैमरा ओपन हो रहा है, ठीक है। इतिहास में क्या करता हूँ यूट्यूब सस्पेंड, सॉरी यहाँ पे मेरे को लिखना है यूट्यूब सस्पेंड यूट्यूब चैनल अपील, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंड यूट्यूब चैनल अपील करके आपको यहाँ पे लिखना है, पहले नंबर पे वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट पर आपको आ जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट आ रहा है चैनल और अकाउंट टर्मिनेट यूट्यूब हेल्प करके, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिस फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा आपको इस पर आ जाना है। आने के बाद आपको करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपको इस तरह कुछ फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये फॉर्म आपको भरना है। आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ भाई, मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ भाई, अगर आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन है, आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लो, कितना भी वीडियो देख लो, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है आपको एक ही फॉर्म भरना है, यही वाला यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है अपील कैसे करें, अपील कैसे करते हैं, तो अपील आपको यही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार अपील करना है। आपका चैनल सस्पेंड हुआ है भाई तो आपको 3 महीने तक ट्राई करना है, 3.5 महीने तक ट्राई करना है, 3.5 महीने तक स्ट्राइक रिमूव होता है, हो सकता है आपका चैनल वापस आ जाएगा, हो सकता है चैनल आपका वापस नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ है उसी दिन से आपको न्यू चैनल बनाकर काम करना है, इस चैनल का भरोसा नहीं भाई आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। और आपको लगता है कि भाई मैंने यूट्यूब पड़ोसी कोई भी वीडियो नहीं बनाया, किसी मैंने कोई मतलब किसी दूसरे का वीडियो यूज नहीं किया है, उस कंडीशन पर आप यूट्यूब को अपील कर सकते हो, आपका यूट्यूब चैनल वापस आ जाएगा अगर आप लोग गलती नहीं किए होंगे तो। अगर आप लोग गलती नहीं किए होंगे भाई तो आपका YouTube चैनल YouTube सस्पेंड क्यों करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है फिर भी भाई मैंने कोई गलती नहीं किया तो आप YouTube को अपील करो, आपका YouTube चैनल वापस आ जाएगा। अगर आएगा तो भी 3.5 महीने बाद ही वापस आएगा, ऐसे ही वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे यूआर फुल नेम पे आपको अपने चैनल का नाम जो भी है यहाँ से आप चैनल का नाम दे सकते हो, यानी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो आपका चैनल का नाम जो भी रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दिया, नीचे आना है यहाँ पे आपको जो भी चैनल सस्पेंड हुआ है वो यू आर आपका जीमेल यहाँ पे ले देना है सबसे फर्स्ट वाले पे, ठीक है। और नीचे आना है यहाँ पे आपको जीमेल देना है कौन सा, आपको यूट्यूब किस जीमेल पे कांटेक्ट करेगा वो जीमेल यहाँ पे आपको देना है। नीचे आना है अपने यहाँ पे यूआरएल पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना जीमेल दे देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि मेरा चैनल सस्पेंड नहीं हुआ है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं gmail.com दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया यूट्यूब हैंडल वाला यूआरएल, ठीक है। आप लोग बोलते हो और जो टेक्स्ट में आप लोगों को बोला भाई कि उस टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर जो भी मतलब दिया था वो टेक्स्ट को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, अपने चैनल का नाम दे देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लाइव प्रूफ दिखा रहा भाई, वीडियो लॉन्ग हो रहा है कोई बात नहीं भाई, आप लोग अच्छा तरह से समझ जाओ सीख जाओ, ठीक है। जो कि मैं इस वीडियो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिटेल्स में बता दिया हूँ, जो कि भाई आपको यूट्यूब पे कितना भी सारा वीडियो देख ले वो कोई भी स्टेप बाय स्टेप नहीं बताएगा, सारा प्रोसेस जो मैं आप लोगों को बताया वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, डियर यूट्यूब टीम, इस टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। या फिर मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करना, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आ गया, आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर से फॉर्म मेरे को भरना पड़ेगा, लगता है सारा फॉर्म अगर कट गया होगा फिर से मेरे को भरना पड़ेगा, तो मैं सारा कुछ भर लेता हूँ, उसका आप लोगों को दिखाता हूँ वो करना है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पेस्ट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो खाली बॉक्स मिलता है यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देना है, ठीक है। मैं आप लोग थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। उसको यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देना है, उसके बाद यहाँ पे अपने यूआरएल दे देना है, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट जीमेल देना है, यहाँ पे आपका जो चैनल सस्पेंड है उसका जीमेल देना है, यहाँ पे अपने चैनल का नाम देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा सबमिट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल गलत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूट्यूब हैंडल वाला यूआरएल यहाँ पे डाला है। तो यहाँ से क्या करना, आपको आया है फिर से आपको बैक और जो यूआरएल आप लोग कॉपी किए थे वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से आपको क्या करना है, उस यूआरएल को
यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लॉन्ग यूआरएल लेता हूँ, लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैसेज चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ इस पे, और यहाँ से मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं अगर फिर से यहाँ पे सबमिट करता हूँ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे देखोगे सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग बोलते हो भाई कि यहाँ पे काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, भाई यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ दे सकते हो कि यहाँ पे हो रहा है फिर नहीं हो रहा, ठीक है। पे गलत डाला है, इस वजह से यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे सारा कुछ मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सको सक्सेसफुली यहाँ पे जो है अपील हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत भाई लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, भाई मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो भाई आप लोग को रिप्लाई कुछ नहीं आएगा, 3 महीने के अंदर आप लोग अगर अपील करते हो तो आपको क्या होगा कि यहाँ से YouTube बार बार वही बताएगा कि आपने वो YouTube पॉलिसी के खिलाफ वीडियो बनाया है, YouTube पॉलिसी आपको मतलब वायलेट किए हो, तो इसलिए आपका YouTube चैनल जो है YouTube आपका वापस नहीं करेगा, आपका YouTube चैनल वापस नहीं आएगा। तो ही मैं आप लोगों को बोला कि 3.5 महीने, 3 महीने के बाद अगर आप अपील करते हो तो हो सकता है आपका चैनल वापस आ जाएगा। और आप लोग अपील कर रहे होंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का मैसेज आता होगा, यहाँ पे दे सकते हो। बार बार आप लोगों के पास दो ही मैसेज आएगा, एक पहला एक आएगा गूगल का मैसेज आएगा, दूसरा यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से एक दूसरा मैसेज मेल आएगा, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेल आएगा सबसे पहले फर्स्ट में आपको, और दूसरा जो मेल आएगा आपको इस तरह से कुछ मेल आएगा, ठीक है, जो कि आपको बताएगा आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब रिमूव मतलब वापस नहीं करेगा, ठीक है। दोस्तों आप इस तरह से जो है अपील कर सकते हो, आपका URL गलत बता रहा है तो इस तरह से आप सही से निकाल सकते हो। अगर आप अपील करना चाहते हो तो इस तरह से अपील कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरा चैनल वापस कब आएगा, तो भाई चैनल आपका वापस आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, 3 महीना 3.5 महीना तक YouTube को अपील करो, हो सकता है भाई अगर आपका नसीब अच्छा रहेगा चैनल वापस आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो आपको क्या करना है, दूसरा जीमेल बना के दूसरा चैनल बना के आपको काम करना है, या चैनल का भरोसा छोड़ देना आपको, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।